गाइस आप सबका फिर से स्वागत है दीपक का ब्लॉग के चैनल के इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज है 9 नवंबर और कल यानी कि 8 तारीख से जो है 8 नवंबर से ही जो है बिहार का जो महापर्व छठ पूजा होता है, 4 दिन का छठ पूजा वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। कल जो था नहा का था और आज जो है छोटी छठ यानी खरना, यानी कि जो आज ही के दिन जो है रसिया और रोटी खाया जाता है। आज ही के दिन से जो भी श्रद्धालु मतलब छठ पूजा करते हैं वो खरना के दिन से यानी रसिया और रोटी खा करके जो है फास्टिंग रखना शुरू कर देते हैं। छठ पूजा जो है इतना शुद्ध और पवित्र है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु जो है छठ पूजा करते हैं वो रसिया रोटी खाने के बाद जो है इसके बाद जो है अंत दूर की बात है एक पानी का बूंद भी नहीं पीते हैं लोग, उनका मुँह में नहीं जाना चाहिए। और पारण के बाद ही जो है, इसीलिए पारण का दिन रखा गया परसों जो होगा, और पारण के बाद ही जो है वो भी कुछ खा या पी सकते हैं। ऐसे तो छठ पूजा के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर जिनको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि एक्चुअली जो छठ पूजा चार दिनों का जो है पर्व होता है, जिसमें पहला दिन जो है नहा खा होता है और दूसरा दिन जो है खर्रा होता है, यानी कि उसी दिन जो है छोटी छठ पूजा होता है। उसके अगले दिन यानी छठ पूजा पर्व के जो है तीसरे दिन जो है बड़ी छठ होता है, जिसमें जो है श्रद्धालु शाम को जो है छठ घाट जाते हैं। अंतिम दिन जो है पारण होता है और सुबह सुबह सूर्य भगवान को जो है अर्घ दे करके जो है पारण किया जाता है। इस तरह से जो है छठ पूजा जो है पवित्र पर्व कंप्लीट होता है। पर जो है हमारे माँ जो है वो पूजा नहीं कर पाएंगी, इसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा कि अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो कंडीशन उनका ठीक नहीं है जो है, ताकि वो इस छठ पूजा में वो फास्टिंग रख सक रहे। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि हमारी छोटी चाची है वो पूजा कर रही हैं, और इसलिए जो भी हम लोग का मतलब छठ पूजा का जो भी खर्च होगा और सारा खर्च सामान वामान ले करके उन्हीं को दे देंगे, वही जो है चढ़ावा चढ़ा देंगी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ, और ये गला में जो देख रहे हैं वो मेरे को थोड़ा ठंडा लग गया और इसीलिए जो है ये सब पहना हुआ हूँ। और अभी हम लोग का घर का किचन यहाँ पर ये चाची जी अपना तैयारी करती हुई है। अभी जो रसिया रोटी बन चुका है और यहाँ रात का भोजन डिनर तैयार हो रहा है। ये हम लोग का आंगन, अरे हम लोग का छोटी सी बहन का पोस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू आराध्या, ये है लड़की। अरे ये है हम लोग का गरीब खाना, ये हम लोग का गरीब खाना। जब हम लोग दोस्तों छोटा थे तो इसी पर जो है एक बिल्ली, जब बहुत छोटे थे तब इसी पर जो है एक बिल्ली चढ़ गई थी, और ये हम लोग दरवाज़ा बंद करके जो है तीन भाई बहन मिल करके पूरा इसी रूम में दौड़ा दौड़ा के उसको मारे थे। लास्ट में जो है इसी खिड़की से वो भाग गई थी। अभी वो सीन जो जब भी याद आता है तो हम लोग तीनों भाई बहन आपस में बहुत हंसते हैं। इतना फनीएस्ट मोमेंट वो था हम लोग का लाइफ का, ये घर के से जुड़ा भाई, हम लोग ऐसा ऐसा काम किया लेकिन पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को अभी जाकर रियलाइज होता है। बट उस समय जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय कोई ध्यान नहीं रहता, जो समझ आया वही सही है भाई साहब। चाची हम लोग का रेडी हो चुकी है खाने के लिए रसिया और रोटी, यही फास्टिंग की गई है। और दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद विधि अनुसार सबसे पहले अग्नि माता को जियाना होता है, यानी कि भोग लगाना होता है जो भी रसिया और रोटी खाने वाले होते हैं। उसके बाद से जो है अग्रासन के तौर पर, प्रसाद के तौर पर एक रोटी या रसिया रोटी निकाला जाता है, ताकि घर के सभी फैमिली मेम्बर जो है खा सके, ताकि उन पर भी जो है छठ माता का आशीर्वाद बना रहे। यानी कि ऐसा बताया भी जाता है कि जो भी छठ माता का व्रत करते हैं, जो भी छठ माता का पूजा करते हैं, उनके ऊपर जो है छठ माता का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए जो है उनके द्वारा निकाला गया जो भी रसिया रोटी होता है उसको खाने से प्रसाद के तौर पे उनके मतलब खाने वालों के ऊपर भी जो है छठ माता का जो है कृपा बना रहता है। और उसके बाद से ही जो है मतलब श्रद्धालु जो भी व्रत किए हैं वो रसिया रोटी खा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जैसे रसिया रोटी खाकर ही एकदम फास्टिंग रखना होता है, इसके बाद कुछ नहीं खाना होता है, और एक ही बार पारण के बाद ही जो है व्रत तोड़ना होता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, जब मैं माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो रसिया रोटी खाने के अगले दिन भी जिस दिन मतलब साँझ का घाट जाया जाता है उस दिन भी मतलब यानी कि सुबह सुबह उठ करके चीनी पानी, नींबू पानी या मिश्री खा करके पानी पी सकते हैं, जिसमें अन्न का कुछ मिश्रण नहीं हो, मिक्सिंग नहीं हो। और उसके बाद से जो है मतलब कोसी का सामान हो गया, चाहे ठेकुआ प्रसाद जो भी बनाना होता है वो निर्जला होकर ही बनाना होता है। और इससे भी अच्छा कंटेंट वाला जो है मैं कल ब्लॉग शूट करने वाला हूँ,
और मैं आपको अच्छे से पूरे डिटेल में बताऊंगी कैसे कैसे क्या विधि होता है और क्या क्या कैसे होता है, और मैं आपको साथ मतलब ब्लॉग में शेयर भी करूंगा। और सो बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग आज फॉर व्हाट्स फॉर रीजन, आई होप यू हैव इंजॉयड दिस ब्लॉग, मिलते हैं फिर किसी ऐसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट, टाटा टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा गुड नाइट, गुड नाइट, उधर उधर गुड नाइट, आप सभी को बोलो, आप उधर इधर देखो, यहाँ पे देखो, आप सभी को।